कि मायूस कर रहा है नई रोशनी का रंग, ना इसका कुछ अदब है ना कुछ एतबार। प्रोफेसर मनोज कुमार झा। सभापति उपसभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सदन में और इतिहास में कई ऐसे क्षण आते हैं जब आसानी से ये कह दूं कि समर्थन कर रहा हूं या विरोध कर रहा हूं, उससे बात नहीं बनेगी। सर, मेरा तीन मसलों पर मेरी आपत्ति है माननीय गृहमंत्री जी। पहला सैद्धांतिक, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा व्यवहारिक। माननीय गृहमंत्री जी, हम तो बचपने से पढ़ते थे, अयं निजह परो वेति गरणा लहुचेत साम, उदार चरिता नानतु वसुधैव कुटुंबकम। कहां से कहां आ गए हम, कहां से कहां पहुंच गए। इसलिए कह रहा हूं माननीय उपसभापति महोदय गृहमंत्री जी से कि मायूस कर रहा है नई रोशनी का रंग, ना इसका कुछ अदब है ना कुछ एतबार। सर, मैं दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। जेपीसी हुई थी तो एक्सपर्ट्स ने कहा था कि प्लीज यूज परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज और रिलीजियस लाइंस को अवॉइड करने की बात कही थी। माननीय गृहमंत्री जी, हाथ जोड़ के कहता हूं, आपके विपक्ष में हूं, आपका राजनीतिक शत्रु नहीं हूं। आई बिसीच यू, पैराफ्रेज कर रहा हूं क्रॉमवेल को, आई बिसीच यू इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, थिंक वंस फॉर वंस दैट यू माइट बी कमिटिंग अ ग्रेट ब्लंडर। आप एक बार जरूर सोचिएगा। मेरा यह कहना है सर, तो एक्सपर्ट्स कमेटी ने कहा कि परसिक्यूटेड माइनॉरिटी बोलो, उसको दरकिनार कर दिया गया। और दरकिनार करने के पीछे क्या वजह है समझ में नहीं आया, क्योंकि बार बार मेरे कई साथियों ने कहा सर, प्रोसिक्यूशन की मनोविज्ञान को समझना होगा। अ स्टेट विच प्रोसिक्यूट्स डज नॉट ऑलवेज डिफरेंशिएट बिटवीन ए बी एंड सी कम्युनिटी, वो आदत होती है उसकी। सर सर, जर्मनी में जब यहूदियों का प्रोसिक्यूशन हो रहा था सर, तो सिर्फ यहूदियों का नहीं हुआ, इतिहास गवाह है उन जर्मन्स का भी हुआ जिन्होंने उन यहूदियों के साथ खड़ा होने को सोचा। सर, एक बार तो सोचना होगा। प्रोसिक्यूशन, चिदंबरम साहब बोल चुके हैं, कई तरह के होते हैं, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल बिलीफ को लेकर के होता है। और आपके बिल में एथिस्ट के लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं। जरा एक बार यह भी सोच के देखिएगा, जिनकी ईश्वर में आस्था नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं, उनका इस वजह से भी प्रोसिक्यूशन होता है, तो वो कहां जाए। सर सर, मेरे कई साथियों ने कहा है कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज सस्पेक्ट एंड इट गोज अगेंस्ट द वेरी टेनेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सर सर, देयर इज समथिंग कॉल इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन एंड रीजनेबल क्लासिफिकेशन। वेरी फ्रेंकली ऑनरेबल होम मिनिस्टर सर, इट इज अनइंटेलिजेंट डिफरेंशिएशन एंड अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन, क्लॉज बाय क्लॉज। जैसे आपका, मैं कई साथियों ने कहा, प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं स्टेटमेंट में, लेकिन वो बॉडी ऑफ टेक्स्ट में कहीं नहीं आता है। इट्स अ बैड लॉ, इट्स मॉरली बैड, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनली बैड, एंड एनीथिंग विच इज मॉरली बैड, कॉन्स्टिट्यूशनली बैड शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। आज आपकी मेजोरिटी है साहब, मैं जानता हूं पास करा लेंगे। इतिहास में 10-20 बरस की सरकार दो लाइन में सिमट जाती है, कभी कभी फुटनोट में। प्लीज रिमेंबर हिस्ट्री, सो इतिहास तय करेगा। सर सर, अभी अभी एक मिनट का और दीजिए वक्त। सर, विद अ हेवी हार्ट, आज 70 संगठनों ने मुझे फोन किया सर, सब कह रहे थे कि अगर आज लालू जी सदन में होते, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं जानता हूं मैं उनकी कमी पूरी नहीं कर पाऊंगा, बस कोशिश कर रहा हूं। सर, बार बार कहा गया माननीय गृहमंत्री जी की ओर से कि एनआरसी अलग है, सीएबी अलग है। नहीं साहब, अलग नहीं है। एनआरसी में पैदा हुई दिक्कतों ने आपको प्रेरित किया कि एक ऐसा बिल लेके आओ कि अपनी कमजोरियों को छुपा लो। कमाल का बिल है, गुरखा कहां गए, कौन लोग हैं वो, स्टेटलेस सिटीजन का क्या करोगे। बांग्लादेश की प्रीमियर कहती है कि हमको प्रधानमंत्री जी ने भरोसा दिया है, किसकी बात माने, उनकी बात माने, आपकी बात माने, किनकी बात माने। सर सर, बस एक आधा सेकंड। सर ऑथेंटिकेशन कॉस्ट भी बहुत है सर, सुना है 1600 करोड़ लग गए, पूरे देश में कराइएगा एनआरसी तो 426,000 करोड़ लगेंगे सर। उतने में आप अपने एजुकेशन को इतनी खूबसूरत बना लेंगे कि दुनिया की बुलंदियों तक पहुंचेंगे। सर एक आखिरी टिप्पणी करा, आखिरी टिप्पणी सर, सर आखिरी 30 सेकंड। सर जब अभी हम राज्यसभा में बैठ के चर्चा कर रहे होंगे, चूंकि आजकल इतिहास कल्पनाओं पर चलता है, कई बड़े बड़े मंत्री साहब कहते हैं कि ऐसा ना हुआ होता वैसा हुआ होता। सर एक ऊपर में शोक सभा हो रही होगी,
अगर स्वर्ग नाम की कोई जगह है, ठीक है, और वहां सर 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 वहां वहां सर बापू को जिन्ना आके कहेंगे, जो कहते हैं ना क्या हुआ लड़का या लड़की, कहेंगे आपको इजराइल हुआ है, हमने इजराइल के मॉडल को फॉलो कर लिया है सर, वो हमारे मुल्क के लिए, इस महासागर के लिए, इसको तालाब मत बनाइए सर। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रुक जाइए, मेजॉरिटी का बेहतर इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद सर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।